हेलो एवरीवन, सनशाइन हिंदी टेवर में स्वागत करती हूँ आप सभी का। गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपकी मैरिज आपके पार्टनर के साथ होगी क्या? आपकी मैरिज आपके पार्टनर के साथ होगी जिनसे आप करना चाहते हो, ओके? जिनसे आप करना चाहते हो क्या उनसे आपकी मैरिज होगी? देखते हैं। हम हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली नहीं मान रही, इस तरह का सिचुएशन है। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, बट क्या आपकी मैरिज उनसे होगी जिनसे आप करना चाहते हो? तो देखते हैं हम रीडिंग के थ्रू। तो यह एक ऑल साइड रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। और गाइस, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी उतना लीजिएगा, जो नहीं होता उसे इग्नोर करिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। क्या आपकी मैरिज आपके पार्टनरशिप होगी? ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ओके? थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली नहीं मान रही, इस तरह का सिचुएशन है। कास्ट रिलीजन है, सोसाइटी बीच में आ रही है, आप दोनों के बीच समाज आ रहा है, ठीक है? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए मदर इशू है, इनकी मदर नहीं मान रही, या तो आपकी मदर नहीं मान रही, या सिस्टर है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो सकते हैं, या तो आप हो सकते हो, ओके? जहाँ से ये पर्सन निकलना चाहते हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये डाइवोर्सी पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हो। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है, ठीक है? जहाँ पर इनके फैमिली ने, या मुझे ना कुछ लग रहा है यहाँ पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, जहाँ थर्ड पार्टी है यहाँ पर। गाइस, इतना आसान नहीं है फैमिली का मानना, इतना आसान नहीं होगा आप दोनों का मैरिज होना। मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों मैरिज करना चाहते हो एक दूसरे से, तो आप दोनों को स्टैंड लेना होगा, आपके पार्टनर को स्टैंड लेना होगा, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप दोनों ने रिस्क नहीं लिया, एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लिया, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों का मैरिज होने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली आ रही है, समाज, कल्चर, ठीक है, काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच, तो स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है? स्टैंड लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप दोनों ने एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया, रिस्क लिया, तो डेफिनेटली आप दोनों की मैरिज होगी। ये दोनों कुछ नहीं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। जो कोई भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, ये कुछ नहीं कर सकते अगर आप दोनों ने एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया तो, ठीक है? आपको स्टैंड लेना होगा या आपके पार्टनर को स्टैंड लेना होगा, ओके? लोग भड़का रहे हैं, इनकी फैमिली रोक रही है, या कोई और रोक रहे हैं, फ्रेंड्स रोक रहे हैं, आपको रोक रहे हैं। अगर उनकी बातों में आए तो मुश्किल है आप दोनों का मैरिज। और अगर आपने स्टैंड लिया एक दूसरे के लिए, उनकी बातों में ना आकर एक दूसरे का साथ निभाया आपने, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज होगी। मैरिज होने से कोई नहीं रोक सकता आप दोनों का, ठीक है? आप दोनों का मैरिज होने से कोई नहीं रोक सकता, बट इतना आसान नहीं है आप दोनों का मैरिज हो पाना, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनके फैमिली इनको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिखाएगी, या तो आपको ऑप्शंस दिखाएगी कि देखो तुम्हारे लिए ये बेहतर है, इसमें क्या रखा है, इस तरह का कुछ होगा, ठीक है? मुझे लग रहा है कि किसी को तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिखाया जाएगा, ब्रेन वॉश किया जाएगा, भड़काया जाएगा, ब्लैक मैजिक भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये लोग करें, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी हैं। बट मैं आपको बता दूं, अगेन कहना चाहूँगी, अगर आप दोनों का लव सच्चा है, ट्रू है, तो आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? अगर आप दोनों का लव सच्चा है, ट्रू है, तो ये लोग मान जाएंगे। अगर आप दोनों ने गिव अप नहीं किया तो ये लोग मान जाएंगे, मुझे लग रहा है। अगर फैमिली नहीं मान रही है तो फैमिली मान जाएंगे, अगर आप दोनों ने गिव अप नहीं किया तो आप दोनों एक हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये लग रहा है। बट
यार मुझे मैरिज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओके मुझे मैरिज दिखाई दे रहा है, विक्ट्री दिखाई दे रहा है, बट आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा आप दोनों को ही, ठीक है, आप दोनों को ही काफ़ी सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, सबका सुनना पड़ेगा। मुझे लग रहा है फैमिली स्पेशली कोई कुछ लग रहा है फैमिली स्कूल ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। तो गाइस अगर आप दोनों ने गिव अप नहीं किया ना तो डेफिनेटली आप दोनों का मैरिज होगी, ओके आपको सब कुछ मिलेगा, लव केयर अनकंडीशनल लव, और ये भी मान जाएंगे मुझे लग रहा है अगर आप दोनों ने गिव अप नहीं किया तो, ओके आप दोनों का मुझे विक्ट्री दिखाई दे रहा है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इम्प्रेस्ड, और क्या चाहिए बताओ, ओके और क्या चाहिए। बट अगर आपने गिव अप कर दिया तो मुश्किल है यार, ओके आप दोनों को यहाँ पर एक दूसरे का साथ देना है, कोई कुछ भी कहे उनके बातों में नहीं आना है, ठीक है, कोई कुछ भी कहे ब्रेन वॉश करेंगे यहाँ पर आप दोनों को ही किया जाएगा, सिर्फ एक को ही नहीं, ठीक है, आप दोनों को ही ब्रेन वॉश किया जाएगा। बट विक्ट्री होगी यहाँ पर, अगर आप दोनों ने गिव अप नहीं किया तो मैरिज होगी, ठीक है, बच्चे देख पा रही हूँ, मैरिज देख पा रही हूँ, ग्रोथ देख पा रही हूँ रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच लव काफ़ी ज़्यादा देख पा रही हूँ। अगर आप दोनों ने इस चैलेंजेस को फेस कर लिया और अगर आपने इनको यानी कि चैलेंजेस को फेस कर लिया ना और आप दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया तो आगे चलकर आप दोनों के बीच लव और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है, और भी ज़्यादा, और आप मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो, खुश दिखाई दे रहे हो, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहे हो मुझे, आप एक क्वीन की तरह दिखाई दे रहे हो, एक किंग की तरह दिखाई दे रहे हो, ऐसे ही पर्सन आपको ट्रीट करेंगे। क्या आपकी मैरिज आपके पार्टनर से होगी? डेफिनेटली होगी, मैंने आपको बता दिया है, अगर गिव अप नहीं किया तो होगी। हाई प्रेस्टेज, आप दोनों को ही खुद का सुनना है, किसी और की बातों में नहीं आना है, देख सकते हैं मुझे ना ब्रेकअप भी दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप होने का भी चांसेस है, सेपरेशन होने का चांसेस है, बट वक्त बदलेगा, ठीक है, वक्त बदलेगा, क्योंकि ये पर्सन अगर आपके ट्रू पार्टनर है, ट्रू लवर है, तो ये गिव अप कभी नहीं करेंगे, ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में और आपके लाइफ में आकर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके ट्रू पार्टनर है, ये आपके सच्चे पार्टनर हैं। अगर ये आपके ट्रू लवर हैं तो ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस ब्रेकअप से इस सेपरेशन को फेस कीजिए, ठीक है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये आपके ट्रू लवर हैं तो ये पर्सन लौट कर आपके पास आएंगे, सबको मना लेंगे, और अगर फैमिली नहीं मानती है तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है, सब कुछ करेंगे ये आपके लिए, बट आपको छोड़ेंगे नहीं है, ठीक है, अगर ये आपके ट्रू लवर हैं तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है, खुद का सुनना है आपको, किसी और का नहीं, और आपके पार्टनर को भी, और दोनों आप दोनों को ही एक दूसरे का साथ निभाना है, साथ देना है, एक दूसरे को अच्छे से समझना है, एक दूसरे के सिचुएशन को समझना है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है आप दोनों को एक दूसरे से, आप दोनों को ही एक दूसरे को समझना है, ठीक है। तो साइंस बताऊँ क्या? एरियस लियो सजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर स्कॉर्पियो एसिस भी है, तो गाइस ऑल साइंस है यार यहाँ पर। आपकी मैरिज आपके पार्टनरशिप होगी। वाओ और क्या चाहिए, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एरिस लो सजिटेरियस, आपको ना काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, भरोसा करना होगा और अपने पावर में रहना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप लोश हो गए, आपने लो एनर्जी में रहा तो कैसे सब कुछ बेहतर होगा, आपको अपने प्यार पर भरोसा करना होगा, इस रिश्ते पर भरोसा करना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा आप दोनों को ही, ओके आपको गिव अप नहीं करना है। मुझे ना कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, यानी कि अभी आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हुआ है या तो डाइवोर्स हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं,
जिनसे आपकी यूनियन तो होगी यहाँ पर। और अगर अभी अभी आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन हो रहा है, तो देखिए चेंजेस आएगी आपकी लव लाइफ में, आपकी लाइफ में, ओके, चेंजेस आने वाला है। अगर कोई टफ सिचुएशन चल रहा है तो उसका एंड बहुत ही जल्दी होने वाला है। और एक न्यू साइकिल मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, न्यू साइकिल ओपन होगा, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रहा है मुझे, बट आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, आप भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, आपको सच्चाई को देखना है, ठीक है, सच्चाई को देखना है और इन पर भरोसा करना है आपको। और फैमिली नहीं मान रही है तो फैमिली को मनाने की कोशिश कीजिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए, ठीक है, आप अपने करियर को स्टेबल कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो यार आपकी फैमिली भी ना आपकी खुशी ही चाहेगी। अगर आपने गिव अप नहीं किया तो मान जाएगी, मैं आपको डेफिनेटली बता दूँ, मान जाएगी फैमिली अगर आप दोनों ने गिव अप नहीं किया तो, ठीक है। आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, आपकी मैरिज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और क्या चाहिए बताओ, आपकी मैरिज हो जाएगी यहाँ पर। स्पेशली ये पर्सन एरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या तो लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वैसे ऑल साइंस है यहाँ पर, पाइसिस भी हो सकते हैं, वैसे इनका साइन कोई भी हो सकता है। और देखते हैं हम, ठीक है, गॉड यूनिवर्स क्या चाहते हैं। चेंज, दो कार्ड, इंटेंसिटी, इनर वॉइस, पेशेंस। तो यूनिवर्स गॉड आपसे कह रहे हैं कि आप पेशेंस बनाए रखिए, अगर आप अगर आप दुखी हो, परेशान हो, रो रहे हो, तो बर्डन ले रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा मत कीजिए, ओके, पेशेंस बनाए रखिए, सब कुछ बेहतर होगा, ओके, आपकी मैरिज तो इनसे ही होगी, बट आपको अपने इंट्यूशन को सुनना होगा, ठीक है, गिव अप नहीं करना है, बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस देख पा रही हूँ, ओके। अगर ये पर्सन आपके लिए ट्रू है, सच्चे हैं, तो बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, ओके, और फैमिली को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये अगर नहीं मान रही है फैमिली, तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, और इनको आपके पास आने के लिए, आपसे मैरिज करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, अगर ये आपके ट्रू लवर हैं तो, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, बट आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यार कि डिले भी हो सकता है आप दोनों की मैरिज में, ठीक है, कुछ लोगों की मैरिज में डिले भी हो सकती है, हो सकता है 1 ईयर या तो 1.5 साल लग सकता है, क्योंकि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, फैमिली नहीं मान रही, ऐसा है, बट आपको समझना पड़ेगा, ओके, सिचुएशन को समझना पड़ेगा, अपने पार्टनर को समझना पड़ेगा, उनके सिचुएशन को समझना पड़ेगा, और आपको भरोसा करना होगा, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि यह पर्सन सही है, इन्होंने हमेशा आपका रिस्पेक्ट किया है, सच्चा प्यार दिया है, आप दोनों के बीच कभी किसी को नहीं लाया है, तो भरोसा कीजिए, चेंज आएगी आप दोनों की लव लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ये आपके ट्रू लवर दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, या तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है। और आप दोनों का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता आप दोनों को एक होने से, ठीक है, बट आप दोनों को गिव अप नहीं करना है यहाँ पर, ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये अनकंडीशनल लव है यहाँ पर। तो गाइस ये रही आज की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखिए, होपफुल रहिए, ठीक है, भरोसा रखिए, सब कुछ सही होगा। लव यू, बाय।